तेरी याद का दीप जले मन में, एक ज्योत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन में, एक ज्योत जगे इस जीवन में। रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त हूँ तन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले। सचमुच वो घड़ी बड़े अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। अंबर के पार बसा है तू, अंबर के पार बसा है तू, पर अपने पास ही पाता हूँ। देखूं को चिंतन में, तेरी याद का दीप जले मन में, एक ज्योत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन शांति। विचित्र शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आकर हमें विचित्र ज्ञान देते हैं, तो हम आत्माएं पहले स्वयं को इस पुरानी दुनिया के चित्र से न्यारा समझने लगते हैं।
स्वयं को विचित्र बना देते हैं और फिर परमात्मा ज्ञान को धारण कर हमारा एक नया चित्र बन जाता है। और उस चित्र का आधार है स्वयं शिव बाबा द्वारा बनाया गया हमारा अंदर का चरित्र। और ये चरित्र बनता है परमात्म ज्ञान से, परमात्म याद से। हम आत्माएं अपने अंदर का एक भी अवगुण जब निकालने में अपने को असमर्थ महसूस करने लगते हैं, तब शिव बाबा हमें यथार्थ ज्ञान और यथार्थ याद के बल द्वारा संपूर्ण चरित्रवान बनाने के लिए शक्ति, समर्थि सब प्रदान करते हैं। हमारे द्वारा संपूर्ण सृष्टि का परिवर्तन करते हैं और इस संपूर्ण परिवर्तन का आधार केवल एक बाबा की याद है। इसलिए रोज रोज बाबा हमें याद दिलाते हैं कि बस स्वयं को आत्मा समझो और मुझे याद करो। ये याद आत्मा के कैरेक्टर्स बदल देती है, आत्मा को निर्गुण से सर्वगुण संपन्न बना देती है, अंतर का रंग और रूप बदल देती है, हमें देवतुल्य बना देती है। याद की विभिन्न प्राप्तियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा और विस्तार से समझेंगे। तो आज है 10 तारीख, 10 सितंबर 2024, बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है कौन सा? मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। प्रश्न है, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? आत्मा की सेफ्टी का उत्तर है, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं, तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं, याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे, कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है, अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। इतनी प्राप्तियां हैं याद से, सब कुछ बदल देती है याद, तो खुद से पूछो कितना याद करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है, कौन सी? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो, एक सुरक्षा कवच है बाबा की याद। अगर याद में है ना, तो माया का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता। मूल बात ही बच्चों के लिए यह है, बाप ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, कैरेक्टर्स भी सुधारना है, अपनी जांच करनी है, मेरा कैरेक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है, मुझे कोई
देह अभिमान तो नहीं आ जाता है। यह अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। बाकी तो सब है देहधारी, इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विदेही है। वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है। अपने आप को देह से न्यारा, बिल्कुल उपराम, देहिक बातों से न्यारा, विदेही बनना है। मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने। न देही कौन है? देह को धारण करने वाली मैं आत्मा, और बिल्कुल सारी दुनिया से, मन और बुद्धि से उपराम हूँ। ऐसा बाबा हमें बनाना चाहते हैं। पवित्र बनकर ही वहाँ जाएंगे। छिछी को तो साथ ले नहीं जाएंगे, पवित्र दुनिया में छिछी को थोड़ी ना ले जाएंगे। इसलिए पहले पहले मंत्र ही यह देते हैं। माया को वश करने का यह मंत्र है, पवित्र होने का यह मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियां भरी हुई हैं। इनसे ही पवित्र बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। ज़रूर हम ही देवता थे, इसलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो। सेफ्टी चाहिए या मजबूत महावीर बनना है तो यह पुरुषार्थ करो। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, भल ड्रामा भी कहते रहेंगे। ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमज़ोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करते हैं उतना, देखो बाबा क्या रिजल्ट सुना रहे हैं, याद का रिजल्ट, कि बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती हैं उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तड़फन होती है शिव बाबा से मिलने की। जो मिल जाते हैं उन्हों का पेट जैसे कि भर जाता है। जो बहुत याद करते हैं वह ऊंच पद पा सकते हैं। देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमज़ोर हैं। याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर ना होने के कारण किसको तीर लगता ही नहीं। तो केवल नॉलेज से बात नहीं बनती, है ना, तलवार में धार ज़रूरी होनी चाहिए। तो वैसे ही ज्ञान के साथ योग ज़रूर चाहिए। पूरा मरते नहीं, बाबा कहते हैं याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर ना होने के कारण किसको तीर लगता ही नहीं, पूरे मरते नहीं, पूरा बाबा पर बलिहार नहीं जाते। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाएं, वह मर जीवा बनाएं। ये जो कंप्लेंट होती है ना कि बनते नहीं है, कारण याद का जौहर नहीं है हमारे ज्ञान तलवार में। तो बाबा कहते हैं परंतु मरते नहीं तो ज़रूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। बाबा भल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। हर एक अपने दिल से पूछो, हम कहाँ तक याद करते हैं।
पूछो कहाँ तक याद करते हैं। याद से ही बल आएगा, इसलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं, जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। देखो ज्ञान से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, कैरेक्टर सुधरते हैं, महावीर बनते हैं, महारथी बनते हैं, है ना। और ज्ञान तलवार में जब जौहर आता है ना याद का, तो उससे आत्माएं मरजीवा भी बन जाती हैं और आत्मा मीठा भी बनती है। तुम सत्व प्रधान थे तो बहुत मीठे थे, अब फिर सत्व प्रधान बनना है, तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए। कभी रंज यानी नाराज नहीं होना चाहिए, ऐसा वातावरण ना हो। कैसा वातावरण ना हो? जो कोई रंज हो, कोई हमसे नाराज हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वह है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है, बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। सारे विश्व के लिए विद्यालय तो एक ही होता है, ये वाला, जहाँ खुद विश्व का रचयिता, विश्व का शिक्षक शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं और सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म होने हैं। बाप को बुलाया भी इसलिए है कि छीछी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया हुआ है। अभी माया का पॉम्प कितना है, फॉल ऑफ पॉम्पिया का खेल भी दिखाते हैं, बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं, यह पॉम्प शो है ये सारा। सतयुग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं हैं, यहाँ बनते हैं। क्यों? क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी। बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे, कैसे, जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे, नहीं। जो जहां होगा, चाहे समुद्र पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे। यह पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाख योनियां हैं, यह सब खत्म हो जानी है। वहाँ नई दुनिया में यह कुछ भी होगा नहीं, ना इतने मनुष्य होंगे, न मच्छर, न जीव जंतु आदि होंगे। यहाँ तो ढेर के ढेर हैं। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहाँ हर चीज सत्व प्रधान होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो, बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे। तुम क्या बनते हो? बहुत ऊंच देवताएं बनते हो। देखो कौन बनाता है? शिव बाबा। यह कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प बने हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुम यह बने थे, नंबरवार।
यह इतना किचड़ा आदि वहाँ कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हो रही है सबको खुशी, हम है ना, हम सब, हम बहुत ऊंच देवता बनते हैं। हम ही एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको बहुत ऊंच बनाते हैं। केवल हमें बाबा पढ़ा रहे हैं और बहुत ऊंच बना रहे हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबर वार पोजीशन वाले होते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है, खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। भारतवासी तो तमो प्रधान बुद्धि हैं, वह फिर भी तमो बुद्धि हैं, इसलिए उन्हों को शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग हेवन पास हो गया सो फिर होगा जरूर। हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड। स्वर्ग का कितना नाम वाला है, स्वर्ग और नर्क, शिवालय और वैश्यालय। बच्चों को अब नंबर वार याद है कि हमको अब कहाँ जाना है। याद तो है सबको, पर नंबर वार याद है कि हम कहाँ जा रहे हैं अभी, कि हमको अब शिवालय में जाना है। वहाँ जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है, वही पंडा है सबको ले जाने वाला। भक्ति को कहा जाता है रात, ज्ञान को कहा जाता है दिन। यह बेहद की बात है, हद का दिन रात नहीं है, बेहद की बात है। नई चीज़ और पुरानी चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। अब बच्चों की दिल होती है इतनी ऊँचते ऊँच पढ़ाई, ऊँचे ते ऊँचे मकान में हम पढ़ाएं तो बड़े बड़े लोग आएंगे। इसलिए देखो अभी तो बड़े बड़े सेंटर, रिट्रीट सेंटर बन गए हैं। एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्मज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते हैं। अभी तो चेंज हो गया ना, अभी तो तमो प्रधान होने से शहर में अंदर घुस पड़े हैं, वह ताकत खत्म हो गई है। इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है, कैसे भरना है, यह बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर ना सके। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है। उसके लिए क्या करेंगे, बैटरी चार्ज करनी है ना, उसके लिए मुख्य है याद। उसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते हैं, कोई छिपा लेते हैं, बीमारियां छिपाते हैं ना, तो याद का फिर बल नहीं मिलता है। सच्चे बाबा के साथ जब सच्चे रहते हैं तो बाबा को जब याद करते हैं तो ताकत आती है। अंदर में जो खामियां हैं वह तो बाप को बतलानी पड़े। इस जन्म में जो पाप किए हैं वह अविनाशी सज्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा। सुनाने के बाद फिर
दिखाएगा नहीं, है ना, अंदर रख लेना यह भी नुकसानकारक है। इसलिए हर बात बाबा को बतानी चाहिए, है ना। बाबा ना केवल सुनेगा अपितु उसका सॉल्यूशन भी बताएगा। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह सब बाप को बतला देते हैं, इस जन्म में यह पाप किए हैं। दिन प्रतिदिन बाप जोर देते रहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तमो प्रधान से पाप तो ज़रूर होते होंगे ना। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर वन पतित बना है उनमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही फिर नंबर वन में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इस जन्म में पाप हुए तो है ना, कईयों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम यह क्या कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे अनजान हो, सच नहीं बताते हैं। कोई कोई सच बतला देते हैं, बाप ने समझाया है, बच्चे तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत तब होती हैं। कब होती हैं? जब कर्मातीत अवस्था बनती है, बिल्कुल कर्मों का अंश मात्र भी प्रभाव ना पड़े आत्मा पर, ऐसी स्थिति बन जाए। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्म इंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती हैं, इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह रहें तो इन सब बातों की एंड हो जाए। वहाँ कोई ऐसी गंदी बीमारी, कीचड़ पट्टी आदि कुछ नहीं होता है, मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं। वहाँ है ही राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य, तो अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियाँ आदि हैं। सतयुग में यह कुछ होती नहीं। बात मत पूछो, नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है, स्वर्ग नई दुनिया, बड़ी सफाई रहती है। बाप समझाते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम यह सब बातें सुनते हो, कल नहीं सुनते थे, कल मृत्यु लोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है, कल मृत्यु लोक में थे, अभी संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाने वाला भी अब मिला है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं। बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे, यह भी ऐसे है, तो आज विशेष याद और फिर पढ़ाई, यह भी ऐसे है, इस पढ़ाई से तुम बहुत ऊंच पद पाते हो, अभी तुम रोशनी में हो, यानी अभी हमें ज्ञान हो गया है, यह भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं है। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, बाबा हमें ज्ञान देते हैं, जब तक ज्ञान बुद्धि में धारण है तो रोशनी में है, यदि ज्ञान उड़ जाता है फिर से बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, खुद को देह समझते हैं, तो जैसे कभी ज्ञान में है कभी अज्ञान में है, कभी दिन में है कभी रात में है, तो वो कहते हैं तो फिर क्या होता है, तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना, ये बुद्धि से जाना होता है, बुद्धि से मन से याद करते हैं संगम पर आ जाते हैं, याद भूल जाते हैं तो बिल्कुल खिसक कर पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, तो ये सब अंदर चलता रहता है। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं हैं,
सबको पता है कहाँ है हम, संगम युग पर। यह सदैव याद रखना है, हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही हैं नई दुनिया में जाने के लिए। यह है शुद्ध अहंकार, वह है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखरीन पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाप समझाते हैं इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं। इम्तिहान जब होता है तो नंबरवार पास हो फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। स्कूल में ऐसे ही होता है। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो, है ना। ये पढ़ाई जो हम पढ़ रहे हैं इसको केवल हम ही जानते हैं, बाकी दुनिया वाले थोड़ा ना समझते हैं कि हम ऐसे खुद भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और हम बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कितना समझाते हो, नए नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए, भल दूर रहते हैं फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है ऐसे बाप से सम्मुख तो ज़रूर मिलना चाहिए। समझ कर ही यहाँ आते हैं। कोई नहीं समझे हुए हैं तो, कोई नहीं समझे हैं तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं। बाप कहते हैं दिल में कोई भी बात हो, कोई भी मन में शंका हो, बात हो, समझ में नहीं आती हो तो भल पूछो। बाप तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में है वह अच्छी रीति पकड़ सकते हैं। तकदीर किसके आधार पर है? पवित्रता के आधार पर। तो जितनी आत्मा प्योर होती है, बाबा से सच्ची रहती है, साफ रहती है, उतना वो चुंबक आकर्षित करती है और फिर बाबा से भी हम सर्व प्राप्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर खलास सुना अनसुना कर देते हैं। यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान, उनका नाम है शिव। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी? तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं। कोई तो पूरा ना समझने के कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं, बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए? दादियाँ इतने बड़े बड़े घरों से आई, अपने आप को सब बंधनों से छुड़ा कर तोड़ कर आ गई बाबा के पास, जैसे कोई मस्ताने होते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट था जो कशिश हुई। ड्रामा में भट्टी बननी थी, जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। युद्ध तो होती है ना, माया देखती है इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है, अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं व नहीं, है ना। वो हमें और पक्का बनाने के लिए आते हैं। बच्चों को, बच्चों की कितनी संभाल होती थी यज्ञ में, आदि में सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ ना सकें
कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था। तो जब दादियाँ बैठकर हमें यज्ञ की हिस्ट्री सुनाती तो बिल्कुल ऐसा लगता जैसे कि हम वहीं उसी समय पर पहुंच गए हैं। तो केवल चित्र से बात नहीं बनती, जब सुनाते हैं वो जिन्होंने खुद देखा हुआ है तो फिर अंतर आत्मा को प्राप्तियाँ भी होती हैं। तो वह कहते हैं कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे। जिसे रुपए छपते हैं तो भी कोई कोई खराब हो पड़ते हैं, यह भी ईश्वरीय मिशनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं, यह बात किसको भी पता नहीं है। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तवाई समझते ही नहीं क्या मतलब है भगवान को बुलाने का, न क्यों बुलाते हैं हम भगवान को, समझते नहीं हैं। कहते हैं यह कैसे हो सकता है, माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं फिर कह देते सर्वव्यापी। शिव बाबा कहते हो फिर सर्वव्यापी कैसे होगा, पिता कोई सर्वव्यापी हो सकता है, शिव बाबा कह रहे हैं, पूजा करते हैं, लिंग को शिव कहते हैं, ऐसे थोड़ी कहते कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठिक्कर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान है? भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, बिल्कुल वैसे ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सर से एबल आ गया का ये बच्चों पर मात पिता बाप जाने का याद आ रहा। गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है, याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। दूसरा, सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। वरदान है अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ। अकाल तख्त, यह है अकाल तख्त, एक है बाबा का दिल तख्त, इस पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भावा। इस समय आप सभी बच्चों को दो तख्त मिलते हैं। कौन से हैं दो तख्त? एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन कंडीशन है, तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है, यानी अपने स्वस्वरूप पर स्थित है, स्वस्थिति में मजबूत है, तो स्वराज्य अधिकारी है। और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्से के अधिकारी हैं, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नशीन, दोनों, एक तो मेरा, मेरी कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण हो, और दूसरा बाबा से प्राप्त शक्तियों पर, बाबा के गुणों पर मेरा संपूर्ण राज्य हो, संपूर्ण रीति मैंने उसे जीवन में धारण कर लिया हो। तो बाबा कहते हैं
इसमें राज्य भी आ जाता है और भाग्य भी आ जाता है। कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नशीन, ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्म इंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। तो स्वराज्य अधिकारी सो विश्वराज्य अधिकारी, परंतु उससे पहले हमें कर्म योगी स्थिति को भी प्राप्त करना है, बाबा का दिल तख्त नशीन भी बनना है। स्लोगन है, जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। तो बाबा ने हमें बहुत सारे स्वमान दिए हैं, सदा उन स्वमानों की सीट पर सेट रहना है, तो गुणवान भी बनेंगे और महान भी बनेंगे। आज का व्यक्त इशारा है, हम सभी ईश्वरीय बच्चे, दाता के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियाँ जन्म सिद्ध अधिकार है, इस शान में रहो। किसके बच्चे हैं, क्या क्या प्राप्तियाँ हैं? मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बन ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करो। सदा अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो, बार बार अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। बाबा अब दिन कहीं ना लगता, तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिन कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता, तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना। Thank you.
बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन हो मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता।